hey guys so before starting with this video let me tell you a very interesting fact in Africa African giant pouch rats have been trained to smell tuberculosis and landmines they have been trained to do that strange no now without wasting any time let's directly begin with our topic tuberculosis so first of tuberculosis we see the definition tuberculosis is a chronic infective disorder क्रोनिक इसलिए क्योंकि ट्यूबर को ट्रीट करने के लिए सिक्स टू नाइन मंथ्स लग जाते हैं इनफैक्ट कई कई केसेस में तो टू इयर्स भी लग सकते हैं और इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है इन्फेक्टिव इसलिए क्योंकि माइकोबैक्टीरियम नाम से एक बैक्टीरिया होता है जो होस्ट को या फिर ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है जिसके बाद हमें ट्यूबर उसमें देखने को मिलता है और ये डिसऑर्डर क्यों है डिजीज़ क्यों नहीं है क्योंकि जब भी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसके कारण हमें दूसरी डिजीजेस दूसरे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि प्लूरोसी प्लूरल इफ्यूजन एंडोकार्डाइटिस ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है तो बेसिकली मल्टीपल डिजीजेस बन जाती है ट्यूबर के कारण तो इस कंडीशन को हम डिसऑर्डर बोलते हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकुलसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलसिस पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबो के लिए ये एक बैक्टीरिया है जो ट्यूबर कीलोसिस कॉज करता है एंड ट्यूबर का हॉल मार्क या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलमाज ग्रैन्युलमा फॉर्मेशन होती है ट्यूबर में ग्रेन्युलोमा बेसिकली क्या है जब के लीजन्स होते हैं जब ट्यूबोक्यूलॉसिस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी बेसिकली उसके स्प्रेड को रोकने की कोशिश करती है जिसके कारण फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पे ट्यूबोक्यूलर लीजन होता है उसको सराउंड कर लेते हैं बेसिकली उसको इंटेंगल कर लेते हैं या फिर क्वारंटीन कर लेते हैं जिसके कारण वो स्प्रेड ना हो पाए और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैन्युल एंड इट इज डेवलपमेंट ऑफ़ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी ट्यूबर किलोसिस में जो इंफ्लामेट्री रिएक्शन होता है वो सेल मीडियट होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है ठीक है तो ट्यूबो किलोसिस के बारे में हमने चार बातें देखी सबसे पहले तो ये क्रोनिक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है दूसरा इसको कॉज कौन करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबो और तीसरी बात हमने देखी फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूलोमा इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और फोर्थ चीज़ हमने पढ़ी कि ये कैसा है इसका रिएक्शन जो होता है ट्यूबो किलोसिस का वो होता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ओके अब हमने देखा था माइको बैक्टीरियम ट्यूबो कॉज कर रहा है तो इस बैक्टीरिया के भी थ्री स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमन बोवाइन एंड एवियम। ह्यूमन और बोवाइन जनरली ह्यूमन्स में ट्यूबो कीलॉसिस कॉज करवाते हैं और एवियम बहुत रेयरली डिजीज कॉस करवाता है ह्यूमन्स में मतलब ट्यूबो बहुत रेयरली कॉज कराता है बोवाइन कैसे कॉज कराता है जब हम अनपैस्चराइज मिल्क कंज्यूम करते हैं मतलब ऐसा मिल्क जिसका पैस्चराइजेशन नहीं हुआ हुआ है या फिर हमने नहीं किया है रॉ मिल्क अगर हम कंज्यूम करते हैं और उसमें माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है कौन सा माइकोबैक्टीरियम बोवाइन तो वो हमारी बॉडी में ट्यूबर क्यूलॉसिस कॉज कर सकता है ठीक है ये तो थ्री टिपिकल स्ट्रेंस हुए इसके बाद इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया मतलब ऐसा माइकोबैक्टीरियम जो बॉडी में ट्यूबरक्युलॉसिस नहीं कॉज करवा रहा मतलब एंटी ट्यूबक्यूलर ड्रग्स अगर हम दे रहे हैं मतलब जो हम नॉर्मली ट्यूबरक्युलॉसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स देते हैं जब हम हमारी बॉडी में वो ड्रग्स देते हैं तो ये वाला जो माइकोबैक्टीरियम होता है ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है मतलब इस पर उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इसलिए हम इसे नॉन ट्यूबक्युलर माइकोबैक्टीरियम भी कहते हैं या फिर ए टिपिकल माइकोबैक्टीरियम भी कह सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट है टू एंटी ट्यूबोक्यूलोर ड्रग्स ओके फिर इसके बाद आता है मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन किन किन चीज़ों से हो सकता है मतलब हमारे को जो डिजीज़ हो रही है ट्यूबोक्युलसिस वो कैसे हो सकती है या फिर अगर हमें है तो किसी और को हमारे थ्रू कैसे हो सकती है सबसे पहला होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर इन्हेलेशन जब हमारे स्प्यूटम में या फिर हम कफ करते हैं और कफ करते हैं उसके बाद माइकोबैक्टीरिया जब ड्रॉपलेट फॉर्म में एयर में आ जाते हैं और दूसरा कोई उसको इनहेल कर लेता है तो उसके थ्रू भी हो सकता है सेकेंड है इंजेसन अभी हमने पढ़ा था बोवाइन अगर हम अनपैस्चराइज मिल्क इंजेस्ट करेंगे या फिर हमारी बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो उसके कारण भी हो सकता है थर्ड है इनाक्यूलेशन इनाक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन तो कई कई केसेस में वैक्सीनेशन के कारण भी ट्यूबोक्युलसिस डेवलप हो सकता है फिर उसके बाद फोर्थ मोड है ट्रांसप्लेसेंटल रूट मदर से फीटस में भी ट्यूबरक्यूलॉसिस स्प्रेड हो सकता है वाया प्लेसेंटा ओके तो चार मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे इनहलेशन इंजेशन इनाक्यूलेशन एंड ट्रांसप्लेस ट्रांसप्लेसेंटल रूट थ्री जो है वो आई से स्टार्ट होते हैं इन्हेलेशन इंजेशन एंड इनोक्युलेशन ठीक है इसके बाद है स्प्रेड ऑफ़ ट्यूबरक्यूलॉसिस मतलब हमारी बॉडी में आ गया इसके बाद हमारी बॉडी में वो स्प्रेड कैसे होगा तो थ्री मेथड्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी में ट्यूबक्यूलॉसेज स्प्रेड हो सकता है सबसे पहला होता है लोकल स्प्रेड मतलब एक लोकल साइड पे वो इन्फेक्ट कर है जैसे एक पर्टिकुलर टिश्यू में वो है और आसपास के टिश्यू को भी अगर वो ट्यूबक्युलर लीजन जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है आसपास के टिश्यूज़ को भी तो उसे हम कहते हैं लोकल स्प्रेड और अगर लिम्फेटिक Ly सिस्टम या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंट स्प्रेड क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर स्प्रेड हो रहा है एक पर्टिकुलर साइट से लिम्फेटिक स्प्रेड एंड हिमेटोजनस स्प्रेड अगर लिम्फ वेसल्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लिम्फेटिक स्प्रेड और अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे हिमाटोजनस स्प्रेड ठीक है अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े और स्प्रेड कैसे होता है हमारी बॉडी में ट्यूबर केवल इन तीन बातों के बारे में इन तीन बातों के बारे में जाना ठीक है इसके बाद आता है ट्यूबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबर सबसे पहला देखो अब तो मैं ना इसे मत देखना केवल सुनना देखो सबसे पहले जब ट्यूबर क्यूलोसिस का बैक्टीरिया मतलब माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम हमारी बॉडी में एंटर करता है वो लंग्स में पहुंचता है तो स्टार्टिंग में वो कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो नहीं करता और उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और उसके कारण कुछ खास साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते ठीक है बॉडी में माइकोबैक्टीरियम एंटर किया लंग्स तक पहुंचा और क्या देखने को मिला अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जिसके कारण हमें कुछ खास साइंस और सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते ठीक है इसके बाद क्या होता है इसके बाद अब अभी हमने बड़ा अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण लिफोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और मैक्रोफेज क्या करते हैं माइकोबैक्टीरियम को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं इनगल्फ करने के बाद वो उनको कैरी करते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स तक रीजनल लिम्फ नोड्स मतलब लंग्स के जिस भी सेक्शन में माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है उसके सबसे पास जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे माइक्रोफेजेस उनको उधर तक कैरी करते हैं ठीक है अभी तक हमने दो बातें पढ़ी लंग्स में आ रहा है कुछ खास साइंस और सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे क्योंकि अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉस हो रहा है और अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण लिम्फोसाइड्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो रहे हैं मैक्रोफेजेस इन्गल्फ कर रहे हैं और उनको कैरी कर रहे हैं टू द रीजनल लिम्फ नोड्स ठीक है इसके बाद क्या होता है ट्यूबर किलोसिस बेसिकली दो टाइप्स का है सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्यूबर किलोसिस दूसरा होता है सेकेंडरी ट्यूबर किलोसिस अगर किसी होस्ट को सबसे पहली बार ट्यूबो हो रहा है और इससे पहले कभी भी नहीं हुआ तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबो और अगर किसी होस्ट को पहले ट्यूबो हो चुका है और दूसरी बार हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूबो ठीक है प्राइमरी ट्यूबो किलोसिस में जो लीजन्स फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स मतलब जो टिश्यूज़ इंजर्ड होते हैं डेड होते हैं जिनका नेक्रोसिस होता है उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ठीक है अब ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स प्राइमरी कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे लीजेंस जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिल रहे हैं ठीक है और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है गांस कॉम्प्लेक्स अगर कोई प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस बोल रहा है तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि वो गॉन्स कॉम्प्लेक्स की ही बात हो रही है क्योंकि गॉन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में ठीक है अब प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ फॉर्म होते हैं अगर इन्हीशन रूट से आ रहा है ट्यूबोक्यूलोसिस तो मतलब माइकोबैक्टीरियम uh, अगर इन्हेलेशन रूट से आ रहा है तो वो हमारे लंग्स में जाकर सेटल होता है और लंग्स में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है ठीक है लेकिन कभी कभी लैरिंग्स और टॉन्सिल्स में भी देखने को मिल सकता है इन्हेलेशन रूट के थ्रू ठीक है पर अगर माइकोबैक्टीरियम जी रूट के थ्रू आ रहा है जैसे अगर वो बोवाइन है और मिल्क हम इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो जी के थ्रू ही पास होता है अगर जीआईटी रूट के थ्रू आ रहा है तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा ईलो सिकल ईलियो सीकल रीजन में ईलियम और सीकम के बीच में जो रीजन होता है उधर वो फॉर्म होगा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ये अभी हमने तीन बातें पढ़ी फिर उसके बाद है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है सबसे पहला होता है लंग्स और दूसरा होता है हेलर लिम्फ नोड्स लंग्स और हिलर नोड्स लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है अभी हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो माइकोबैक्टीरियम को इनगल्फ करते हैं और रीजनल लिम्फ नोड्स तक कैरी करते हैं ठीक है तो अब मैक्रोफेजेस के अंदर माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है माइकोबैक्टीरियम बहुत ज़्यादा खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेप्लिकेट कर लेते हैं माइक्रो के अंदर और फिर फाइनली माइक्रोफेज बर्स्ट हो जाता है ठीक है जब वो बर्स्ट होता हो जाता है तो माइक्रोबैक्टीरियम इधर उधर फैल जाते हैं ठीक है अब वो इधर उधर फैल जाते हैं तो मतलब कौन सा स्प्रेड हो रहा है लोकल स्प्रेड क्योंकि वो दूसरे टिश्यूज़ को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से वो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं और हार्म करते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा हिलर लिम्फ नोड्स हिलर लिम्फ नोड्स में वो केसिएशन कर देते हैं मतलब केशियस कैसियस नेक्रोसिस वो प्रोड्यूस करते हैं मैंने एक नेक्रोसिस की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अगर आपको कैशियस नेक्रोसिस के बारे में जानना है तो आप उसमें देख सकते हैं ये बेसिकली एक नेक्रोसिस का टाइप है कैशियस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चीज़ लाइक अपेयरेंस देखने को मिलती है नेक्रोसिस की ठीक है तो हेलर लिम्फ नोड्स में वो क्या कर रहे हैं कैशियस नेक्रोसिस कर रहे हैं तो अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ ली हमने ये देखा कि बेसिकली जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ बन सकता है इन्हेलेशन से है तो लंग्स में बन सकता है और अगर जीआईटी से आ रहा है तो ई रीजन में बन सकता है फिर उसके बाद ये दो टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है सबसे पहला होता है लंग्स दूसरा होता है हिलर लिम्फ नोड्स ठीक है लेकिन प्राइमरी ट्यूबोकलोसिस की एक बहुत अच्छी बात है कि जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत जल्दी हील हो जाता है और कैल्सिफाई हो जाता है ठीक है लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो हील नहीं हो पाता तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं और ऐसा क्यों होता है और वो क्या करते हैं उन केसेस में देखो सब थ्री पॉइंट्स हैं सबसे पहला है अगर होस्ट की इम्यूनिटी वीक है इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जैसे एड्स के केस में तो वो जो ट्यूबरक्यूलॉसिस होगा वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्यूलॉसिस ठीक है क्योंकि प्राइमरी ट्यूबोकुलसिस जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा वो हील नहीं हो रहा वो प्रोग्रेसिव है इन नेचर वो हार्म करे जा रहा है क्योंकि इम्यूनिटी होस्ट की वीक है जैसे कि एड्स के केस में ठीक है सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया जब वो हील नहीं होते दूसरा पॉइंट है मिलियरी ट्यूबोकुलसिस मतलब जब प्राइमरी लीजन हील नहीं होता या फिर इनकम्प्लीटली हील होता है जिसके कारण उस लीजन में कुछ वाइबल बैक्टीरियाज रह जाते हैं अब हील नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनमें थोड़ी जान है वो वाइबल है वो अभी भी हार्म कॉज कर सकते हैं तो वो जब सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो फिर वो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकते हैं हमने इसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस इसलिए दिया है नाम क्योंकि जब हम चेस्ट का एक्सरे देखते हैं अब देखो ब्लड में आ गया है तो वो दोनों लंग्स को अफेक्ट करेगा किसी सिंगल लंग को तो अफेक्ट करेगा नहीं क्योंकि सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में हो रहा है और मिलियरी इसलिए क्योंकि जब हम चेस्ट का एक्सरे देखते हैं तो हमें मिलेट सीड्स जैसे अपेयरेंस दिखते हैं मतलब एक्सरे में हमें ऐसे दिखता है कि मिलेट सीड्स जैसे कुछ अपेयरेंस दिखता है उन लीजेंस का तो इसलिए हम इसे मिलियरी ट्यूबोक्युलसिस कहते हैं और क्योंकि ये ब्लड में आ चुका है इसलिए ये दोनों लंग्स में देखने को मिलता है फिर इसके बाद होता है अगर अभी हमने देखा ब्लड के थ्रू मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन कहाँ पे आ, लंग्स में लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या फिर प्राइमरी लीजन ट्रेवल हो रहा है लंग लंग्स की वॉल पर या फिर हार्ट की वॉल पर तो हम उसे बोलते हैं ट्यूबोक्यूलोप्लियोरेसी या फिर पेरिकार्डाइटिस अगर लंग की वॉल्स जो है मतलब प्लूरा जो है उधर तक प्राइमरी लीजन ट्रेवल कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू तो उससे हम क्या बोलेंगे ट्यूबोक्यूलर प्लीरेसी प्लूरेसी मतलब प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो जाना ठीक है और अगर पेरिकार्डियम या फिर हार्ट की वॉल पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस और ये किसके थ्रू होगा लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू होगा ठीक है तो एक बार हम देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हमने पढ़ा कि जैसे ही माइक्रोबैक्टीरिया बॉडी में आता है वो लंग्स में जाता है और फिर लंग्स में जाने के बाद वो इतने ज़्यादा साइंस और सिम्टम्स शो नहीं करता क्योंकि अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे होता है उसमें मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं मैक्रोफेज इनगल्फ करते हैं माइकोबैक्टीरियम को और रीजनल लिम्फ नोड्स तक कैरी करके ले जाते हैं ठीक है फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ट्यूबर किलोसिस के दो टाइप्स होते हैं एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स अगर इन्हेलेशन के थ्रू मतलब माइकोबैक्टीरियम आ रहा है तो वो लंग्स में बनेगा और अगर जी के थ्रू आ रहा है तो ईलियो सीकर रीजन में बनेगा फिर तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बेसिकली दो टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है प्राइमरी ट्यूबर के केस में सबसे पहला होता है लंग्स जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे प्राइमरी क्यूब कॉम्प्लेक्स या फिर गॉन्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है बर्स्ट होने के कारण ठीक है और हिलर लिम्फ नोड्स को कैसे अफेक्ट करता है हिलर लिम्फ नोड्स में बेसिकली वो कैशियस नेक्रोसिस कॉज कर देता है ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होता है वो हील हो जाता है और कैल्सिफाई हो जाता है लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो हील नहीं हो पाता जैसे अगर होश की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जैसे एड्स के केस में तो वो क्या फॉर्म करेगा प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबर और सेकेंड हमने देखा था मिलियरी ट्यूबर भी फॉर्म हो सकता है अगर प्राइमरी लीजन ब्लड में आ गया है और लंग्स तक जा रहा है तो ठीक है फिर थर्ड हमने पढ़ा था वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू प्लूरा और पेरिकार्डियम को भी अफेक्ट कर सकता है और क्या कॉज कर सकता है ट्यूबोक्यूलर प्लूरसी और पेरिकार्डाइटिस ठीक है नाउ लेट रीड इट आउट पैथोजेनेसिस entry of tubercular bacilli into the lungs inside an acute inflammatory reaction with no signs and symptoms okay then what type of acute inflammatory reaction is seen basically lymphocytes and macrophages come into action macrophages engulf the bacteria transport them to the regional lymph nodes and if the individual has okay uh, रीजनल लिम्फ नोड्स तक ले जाते हैं फिर उसके बाद दो टाइप्स होते हैं प्राइमरी ट्यूबोकिलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबोक्लॉसिस इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ नॉट सफर्ड इन पास्ट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूबोक्लॉसिस और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इट इज कॉमली अकरिंग इन लंग्स बट कैन अकर इन टोंसिल्स एंड लैरिंग्स ऑल्सो इफ देयर इज इनहलेशन ओके वेन बैक्टीरिया एंटर्स फ्राम जी आई टी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इज एन इलियोसिकर रीजन मतलब माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम के केस में हमें क्या कहाँ देखने को मिलेगा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इलियोसिकर रीजन में ठीक है फिर उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी थी जो वो अफेक्ट कर देता है सबसे पहला लंग्स तो लंग्स में वो क्या करते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज इन साइड द मैक्रोफेज देन मैक्रोफेज बर्स्ट ओपन एंड इट स्प्रेड्स टू नियर बाय टिश्यूज फॉर्मिंग अ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन लंग्स ओके मोस्ट ऑफ द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हील ये मैं ऑलरेडी बता चुकी पर इससे पहले हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अगर वो हिलरी लिम्फ नोट्स में अफेक्ट कर रहा है तो इट इज ऑल्सो असोसिएटेड विद कैशियस नेक्रॉसिस इन रीजनल लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टिश्य फॉर द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स आर लंग्स एंड हेलर लिम्फ नोड्स तो इस केस में रीजनल लिम्फ नोड कौन सा होगा हिलर लिम्फ नोड क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होता है प्राइमरी ट्यूबो के केस में ठीक है फिर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है गॉन्स कॉम्प्लेक्स और कुछ केसेस में ये हील नहीं होता जैसे इंसिडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबो इज पर्टिकुलरली हाई इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट जैसे कि अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो इन फ्यू primary lesion either does not heal or heals incomple incompletely discharging the viable bacteria into circulation through blood called as miliary tuberculosis primary lesion may travel to pleura or pericardium in pleura it will cause tubercular pleurisy or pericardium it will cause pericarditis through lymphatic system okay ना लेट ए सी द डाइग्राम इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें मिल मिलियरी ट्यूबोकल भी देखने को मिल रहे हैं एक बात बताती हूँ देखो मिलियरी ट्यूबो किलॉसिस हमें तब देखने को मिलता है जब प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबो किलॉसिस हैं जब प्राइमरी ट्यूबो कलॉसेस कंटिन्यू होता जाता है प्रोग्रेसिव हो जाता है और वो सेकेंडरी के आने के चांसिस में होते हैं इनफैक्ट वो सेकेंडरी कॉज कर ही रहा होता है तब हमें मिलियरी ट्यूबोक्यूलॉसिस देखने को मिलता है तो मिलियरी ट्यूबोक्युलॉसिस सेकेंडरी ट्यूबोक्युलसिस का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है फिर उसके बाद हमने हिलर लिम्फ नोड्स की बात की थी तो जो ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है उधर हिलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी के केस में हिलर लिम्फ नोड्स का क्या हो जाता है ट्यूबर की हो जाता है या फिर कैशियस नेक्रॉसेस ज़्यादा फॉर्म हो जाता है फिर उसके बाद हमने गॉन्स फोकस गॉन्स फोकस प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो था उसी को बोल रहे हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज होता है और अगर ये बस्ट होता है तो वो दूसरी जगहों पर स्प्रेड हो जाता है ठीक है लेकिन वो जल्दी हील हो जाता है तो इसलिए इतना ज़्यादा हमारे को मतलब जो फेट ऑफ पेशेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती ठीक है उसके बाद हम देखते हैं अब प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का आगे जाकर क्या हो सकता है तीन चीज़ हो सकती है या तो हो सकता है वो बॉडी से एलिमिनेट कर जाए बॉडी में रह जाए या फिर वो लगातार इन्फेक्शन कॉज करता रहे ठीक है सबसे पहला एलिमिनेशन देखो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता क्योंकि जो माइक्रो है उस पर एक वैक्सी कोट प्रेजेंट होता है और मैक्रोफेज उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम को एलिमिनेट करना डिफ़िकल्ट होता है बस ऐसा होता है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और वो हील हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा परेशानी नहीं करता पर वो एलिमिनेट भी नहीं होता प्राइमरी के केस की हम बात कर रहे हैं ठीक है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का अब एलिमिनेशन मैक्रोफेज इनगल्स द बैक्टीरिया बट इट इज़ अनेबल टू डिस्ट्रॉय ड्यू टू वैक्सी कोट ऑन बैक्टीरिया सो इट डज नॉट एलिमिनेट इजीली ओके फिर दूसरा हमने बड़ा एलिमिनेट या तो हो सकता है एलिमिनेशन हो जाए बट जनरली एलिमिनेशन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है रिटेंशन हो रहा है इसका मतलब ये है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो माइकोबैक्टीरियम को सप्रेस कर देता है और जो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ट्यूब प्राइमरी ट्यूबोकुलॉसिस उसको सप्रेस कर देता है तो जो ट्यूबोक्युलसिस है लेटेंट स्टेज में चला जाता है ले उसे हम क्या बोलते हैं लेटेंट ट्यूबोक्युलसिस या फिर रिटेंशन ठीक है ये आगे जाकर दोबारा एक्टिवेट हो सकता है जब माइकोबैक्टीरियम की जो इम्यूनिटी है थोड़ी स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो रीएक्टिवेट हो सकता है दोबारा एक्टिवेट होकर वो सेकेंडरी ट्यूबोक्यूलॉसिस कॉज कर सकता है पर अभी के लिए वो लेटेंट स्टेज में ठीक है थीके? फिर तीसरा है एक्टिव इन्फेक्शन इसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबोकुलसिसिस अगर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम कंटिन्यूसली हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वेट कर रहा है फाइट बैक कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इन्फेक्शन ठीक है तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की तीन चीज़ें हो सकती है फिर इसके बाद आता है री इन्फेक्शन या फिर पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन और इसे हम सेकेंडरी ट्यूबोकुलसिस भी कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड मैंने बता ही दिया था सेकेंडरी ट्यूबो उसमें होता है जिसमें ऑलरेडी प्राइम ऑलरेडी ट्यूबो हो चुका है अब ये कैसे होता है ये दो चीज़ों की वजह से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिवेशन और या फिर री इन्फेक्शन रीएक्टिवेशन मैंने अभी बताया कि जो लेटेंट प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई और वो दोबारा एक्टिवेट हो गया तो उसे हम बोलते हैं रीएक्टिवेशन या फिर हो सकता है कि इन्वायरमेंट में वो जो होस्ट है उस वो दोबारा इन्फेक्ट हो जाए माइकोबैक्टीरियम से ठीक है चांसेस हैं कि वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है तो उसे हम बोलते हैं री इन्फेक्शन बाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबोकलॉसिस तो ये दो कॉज हैं जिसके कारण सेकेंडरी ट्यूबोकलॉसिस हो सकता है फिर इसके बाद इसमें हमें क्या देखने को मिलता है सिवियर इन्फ्लामेट्री रिएक्शन हमने प्राइमरी में पढ़ा था उसमें अक्यूट इन्फ्लामेट्री रिएक्शन देखने को मिलता था जिसके कुछ इतने खास साइंस और सिम्टम्स नहीं होते थे पर सेकेंडरी ट्यूबोक्युलॉसिस में सिवियर इन्फ्लामेट्री रिएक्शन देखने को मिलता है जिसके कारण ग्रैन्युलमा फॉर्मेशन होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूबोक्युलसिस का ठीक है अब हम देखते हैं कि ग्रैन्युलोमा कैसे फॉर्म होता है और ये किस किस चीज़ का बना हुआ होता है सबसे पहला है बेसिकली जब सीवियर इंफ्लामेटरी रिएक्शन होता है तो वो स्टिम्यूलेट कर देता है फाइब्रोब्लास्ट को जो कोलेजन फाइबर्स फॉर्म करते हैं और बैक्टीरिया को क्वारंटीन कर देते हैं मतलब बैक्टीरिया को एक जगह सराउंड कर स्प्रेड नहीं होना दे देते और एक जगह सराउंड करके रखते हैं एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड द ल्यूशन ओके तो ये बेसिकली ग्रैन्युलमा का पर्पज़ है फिर तो उसके बाद ये किससे बनता है सेंट्रल एरिया ऑफ केसिएशन बीच ही बीच में सेंट्रल केसीएशन प्रेजेंट होता है कैशियस नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है विच इज़ सराउंडेड बाय फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स एंड एपीथीलियोइड सेल्स जाइंट सेल्स और एपीथीलियोइड सेल्स से वो सराउंडेड होता है और लास्ट में रिम बनती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की जो वो उसको उस एरिया से बाहर नहीं जाने देते स्प्रेड नहीं होने देते तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूबोक्यूलर ग्रैन्युलमा ठीक है हम डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले बीच ही बीच में क्या प्रेजेंट है सेंट्रल नेक्रोसिस उसके साइड में प्रेजेंट है लिम्फोसाइड्स एंड प्लाज्मा सेल्स लेकिन इंपॉर्टेंट सेल्स अगर हम देखें तो वो हैं एपीथीलियोइड सेल्स एंड जॉइंट सेल एपीथीलियोड सेल्स एंड जॉइंट सेल और सबसे बाहर जो रिम होती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट की जो सिक्रीट करते रहते हैं कोलेजन फाइबर्स जो इनको बाइंड करके रखते हैं एक पर्टिकुलर साइड पे ताकि ये स्प्रेड ना हो सके ठीक है ये हमने पढ़ ली कुछ बातें कि सबसे पहले सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कॉज क्या होते हैं और इसमें ग्रैन्युलमा देखने को मिलता है फिर इसके बाद ग्रैन्युलोमा के अलावा हमें क्या देखने को मिलता है सेकेंडरी ट्यूबोकुलसिसिस में कैविटेरी लीजन्स हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो कहाँ सेटल होता है एपिक्स ऑफ लंग्स में सेकेंडरी ट्यूबोकलॉसिस के केस में क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकुलॉसिस एक स्ट्रिक्ट एरोब है उसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ठीक है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो एपिक्स ऑफ लंग्स में होती है तो वो एपिक्स ऑफ लंग्स में जाकर सेटल हो जाता है मोस्ट कॉमनली सीन इन एपिक्स ऑफ लंग्स वेयर ओ टू ऑक्सीजन कंसटेंशन इज हाई ओके तो जो लीजन्स देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं एपिक्स ऑफ लंग्स में फिर इसके बाद आता है कैविटरी लीजन्स कैविटरी लीजन्स का मतलब कैविटी फॉर्म हो जाती है क्योंकि जो कैशियस मटीरियल प्रेजेंट था न, आ, कैशियस नेक्रोसिस वो बाहर निकलता है और डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोंकाई में ब्रोंकस में और उसकी जगह क्या बन जाती है कैविटी जो दूसरी जगहों पर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है वो कैविटी सक्सेप्टेबल है दूसरी जगहों पे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए फाइन कैविटी लीजेंस इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटी वैन कैशियस मटीरियल इज डिस्चार्ज इन टू ओके ना अब ये कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? या तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है या फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू प्लूरा को इन्फेक्ट कर सकती है और कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकती है प्लूरल इफ्यूजन और एम्पायमा प्लूरल इफ्ल्यूजन में क्या होता है जो प्लूरल स्पेस होती है हमें पता है लंग्स के सराउंडिंग में दो प्लूरा प्रेजेंट होती है एक तो पराइटल एक तो विसरल प्लूरा और एक पराइटल प्लूरा ठीक है विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस अगर उस स्पेस में फ्लूड अकमलेट हो जाता है तो उस केस को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन लेकिन अगर उस स्पेस में पस अकमलेट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एम्पाइमा ओके okay. तो इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम दिस कैविटी विच इज़ फॉर्म्ड

सबसे पहले हमने देखा कि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कैसे होता है रिए रिएक्टिवेशन के कारण होता है और री के कारण होता है उसके बाद हमने पढ़ा सीवियर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है जिसके कारण ग्रैन्युलमा फॉर्म होता है फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो इसमें लीजन होता है वो कहाँ सेटल होता है एपिक्स ऑफ लंग्स में और कैविटरी लीजन देखने को मिलते हैं जो स्प्रेड हो सकते हैं प्लूरा में और कॉज करवा सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन एंड एम्पायमा ठीक है अब हम डायग्राम में देखते हैं देखो ये है कैविटरी लीजन ऐसे कैविटी टाइप्स बन गई है इसे हम कैविटरी ट्यूबोकुलसिस कह रहे हैं फिर उसके बाद ट्यूबोक्यूलोसिस प्लेसी ये हमने पिछले वाले प्राइमरी में देखा था कि वो प्लूरा को अगर इन्फेक्ट कर देती है तो वो प्लेसी कॉज करती है उसके बाद कैशियस निमोनिया दिस इज कैशियस नेक्रोसिस देन ट्यूबोक्यूलस एम्पायमा देखने को मिलता है विस प्लूरल स्पेस में दिस इज येलो सो दिस इज बेसिकली डिनोटिंग द पस अकोमलेशन हेयर ओके देन गॉन्स फोकस वी हैव ऑलरेडी ट्यूबोकुलर लिम्फनोज एंड मिलियरी ट्यूबोकिलोस इन केस ऑफ सेकेंडरी एज वेल एज समाइम इन प्राइमरी ट्यूबो किलॉसेसिसके नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबो कुलॉसिस अब हमने जो भी पढ़ा उसको एक सम कर देते हैं जिस देखते हैं तो कि क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंड्री में प्राइमरी क्योंकि पहली पहली बार होता है तो जनरली ये चिल्ड्रन्स में होने के चांसेस होते हैं सेकेंडरी ज़्यादातर चांसेस होते हैं अडल्ट में लेकिन अगर किसी इंसान का चाइल्ड फेस चल रहा है वो चिल्ड्रन है तो उस टाइम भी उसको दो बार इन्फेक्शन हो सकता है चांसेस कम है पर हो सकता है कि उसको प्राइमरी भी हो जाए और सेकेंडरी भी हो जाए ठीक है और ये चाइल्ड में भी हो सकता है एडल्ट्स में भी हो सकता है और किन रीजंस की वजह से रिएक्टिवेशन एंड री फिर प्राइमरी में जनरली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं बट सेकेंडरी में हमारी पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एंटर कर जाता है तो हमारी पूरी बॉडी जनरली इन्वॉल्व होने लग जाती है और अल्टीमेटली उस ह्यूमन की उस होस्ट की हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है ठीक है सेकेंडरी ट्यूबर क्लोसिस एपिक्स ऑफ लंग्स ये तो बहुत ऑब्वियस है उसके बाद लिम्फ नोट्स को ये इन्फेक्ट करती है बोन्स मैनेजेस आइज़ ब्रेन स्किन एंड अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाई सेकेंड्री ट्यूबोकलॉसिस फिर उसके बाद है लीजन्स हमें कौन कौन से देखने को मिलता है अगर प्राइमरी की बात करें तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स एंड हिलर लिम्फ नोड्स। ओके इधर हमें लीजन देखने को मिलते हैं और उसके बाद सेकेंडरी ट्यूबोकलॉसिस में जो लीजन का नाम होता है वो होता है साइमनस फोकस साइमन्स फोकस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है ग्रैन्युलमा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैविटरी लीजन्स हमने पढ़ा और केसिएशन देखो जो केशियस नेक्रोसिस हो रहा है वो दोनों केस में हो रहा है प्राइमरी में भी हो रहा है सेकेंडरी में भी हो रहा है पर सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव केसिएशन हो रहा है एक्सटेंसिव कैशियस नेक्रोसिस फॉर्म हो रहा है ठीक है ठीके? और मिलियरी लीजन्स सेकेंडरी ट्यूबोकलोसिस में ठीक है प्राइमरी ट्यूबो लेस सीवियर होता है और एसिम्टोमेटिक होता है नो एस साइंस एंड सिम्टम्स बट सेकेंडरी ट्यूबोक्लोसिस इज सिमटोमेटिक एंड मोर सीवियर ओके नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स क्या साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ट्यूब की लॉसिस के केस में सबसे पहले देखो स्टार्टिंग ही स्टार्टिंग में तो माइल्ड कफ रहता है और जो कफ माइल्ड होता है वो भी ड्राई होता है कोई स्प्यूटम उसके थ्रू बाहर नहीं आता तो जनरली जो स्मोकर्स होते हैं उसमें तो वो कफ नोटिस में भी नहीं आता ठीक है तो सबसे पहले वो कैसा होगा ड्राई होगा माइल्ड होगा कफ और स्मोकर्स में अननोटिस्ड हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है और स्पेशली सेकेंडरी ट्यूबोकिलोसिस में स्प्यूटम में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है सबसे पहला है म्यूकस स्प्यूटम के थ्रू म्यूकस बाहर आने लग जाता है दूसरी चीज़ जो हमें स्प्यूटम में देखने को मिलती है वो है केशिएशन केशियस केशिय, नेक्रोसिस के जो लीजेंस फॉर्म होते हैं वो हमारे स्प्यूटम के थ्रू कफिंग के, के दौरान बाहर आने लग जाते हैं ठीक है प्लस तीसरी चीज़ है माइकोबैक्टीरियम जो माइकोबैक्टीरियम बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है वो भी हमारे स्प्यूटम में प्रेजेंट हो जाता है और इसके बाद से वो स्टेज इन्फेक्टिव हो जाती है और वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ठीक है एक और चीज़ जो हमें स्प्यूटम में देखने को मिल सकती है वो है ब्लड अगर स्प्यूटम में ब्लड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं हीमोप्टिसिस और अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या फिर मैसिव हिमोप्टसिस हो जाएगा तो पेशेंट कैन इवन डाई ऑफ दैट ओके तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी स्प्यूटम में हमें चार चीज़ें देखने को मिलती है सबसे पहला उसकी उसमें म्यूकस बाहर आएगा दूसरा केसिएशन जो केशस नेक्रोसिस फॉर्म हो रहा है वो बाहर आएगा तीसरा माइकोबैक्टीरियम उसके थ्रू बाहर आएगा और वो स्प्रेड हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू और ब्लड भी बाहर आ सकता है जिसे हम हिमोप्टिस कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्योंकि ट्यूबिकुलोसिस एक डिसऑर्डर है तो वो दूसरी डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन पेरिकार्डाइटिस सॉरी एंडोकार्डाइटिस प्लोरेसी एंड एवरी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया भी वो कॉज करता है डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होना फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करना ओके एंड ऑर्थोपनिया का मतलब होता है जब हम सोते हैं या फिर लेटते हैं तब हमें ब्रेथलेसनेस होने लगती है या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है तो उस कंडीशन को हम औरथोपनिया कहते हैं तो इफ्यूजन डिस्निया एंड ऑर्थोपनिया कैन बी सीन फिर उसके बाद कुछ सिस्टमिक फीचर्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण देखने को मिल सकते हैं ये बहुत ऑब्वियसली चीज़ है अगर इंफ्लामेशन हो रही है तो फीवर फटीगनेस तो होगी ही होगी लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ऑल्सो द नाइट स्वेटिंग नाइट स्वेट्स भी हमें देखने को मिलेंगे ठीक है हमने क्या क्या देखा क्लिनिकल फीचर्स में अगर स्टार्टिंग की बात करें तो कफ कैसा रहेगा ड्राई रहेगा माइल्ड रहेगा और स्मोकर्स में तो अनोटिस हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी कफ में स्प्यूटम हमें स्प्यूटम में हमें बहुत कफ में स्प्यूटम प्रेजेंट होगा और स्प्यूटम में म्यूकस केशिएशन माइकोबैक्टीरियम एंड ब्लड हमें देखने को मिल सकता है ठीक है फिर उसके बाद दूसरे कॉम्प्लीकेशन हो सकते हैं जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन एंडोकार्डाइटिस प्लेरोसी एंड एम्पाइम और डिस्निया और ऑर्थोपनिया भी हमें देखने को मिल सकती है मतलब होगी डिस्निया और आर्थोपनिया भी ट्यूबो के केस में देखने को मिलेगी फिर तो उसके बाद सिस्टमिक फीचर्स जैसे कि फीवर फटीगनेस लॉस ऑफ वेट एपेटाइट एंड नाइट स्वेट्स इसके बाद डायग्नोसिस कैसे होता है हम स्प्यूटम के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं स्प्यूटम कलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद माइकोबैक्टीरियम का कल्चर कर सकते हैं एल मीडियम पे और उसकी प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं दूसरा है पी सी आर दैट इज़ पॉलिमरियस चेन रिएक्शन या फिर एलाइजा के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम को थर्ड आता है चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे भी बहुत सारी चीज़ें डिनोट कर सकता है ट्यूबर के बारे में जैसे हम देखते हैं इस डाइग्राम में अगर हम इस बुक में देखें तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखो जब भी हम लंग्स का चेस्ट अ, मतलब जब भी हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि लंग्स कौन से कलर के दिख रहे हैं देखो अगर लंग्स में एयर प्रेजेंट है मतलब लंग्स अगर हेल्दी हैं तो जो एक्सरे होगी वो लंग्स के थ्रू पास कर जाएगी और ब्लैक इमेज हमें देखने को मिलेगी ठीक है लेकिन अगर उसमें कुछ फ्लूड प्रेजेंट है पस प्रेजेंट है लीजेंस प्रेजेंट है ग्रैनुलोमा कैविटी ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं है ना तो क्या होगा एक्सरे लंग्स के थ्रू पास नहीं हो पाएगी रिफ्लेक्ट होगी और जो हमें वाइट कलर की देखने को मिलेगी तो मतलब अगर कुछ वाइट कलर का लंग्स में प्रेजेंट है तो मतलब वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है ठीक है अब अगर हम इस लंग्स की बात करें तो इट इज़ अ बाइलेट्रल पल्मोनरी ट्यूबो मतलब जो ट्यूबोक्लोसिस है उस इंसान का ब्लड में आ चुका है क्योंकि वो दोनों लंग्स में हमें देखने को मिल रहा है ठीक है दोनों लंग्स में हम देख सकते हैं कि इधर वाइट वाइट है और इसमें कम है जो लेफ़्ट लंग है उसमें थोड़ा कम है ट्यूबोकिलोसिस बट प्रेजेंट दोनों में हम इधर देख सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद अपर लोब लीजन इज मोर ऑब्वियसली सीन ऑन राइट देन लेफ्ट ये राइट लंग है ये लेफ्ट लंग है इसका अगर हम अपर लोब देखें तो इधर बिल्कुल क्लाउडी है वाइट वाइट है तो इधर तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है लीज़न्स प्रेजेंट है इधर कम है बट इधर भी हम देख सकते हैं ओके okay. फिर नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देखें ये डायग्राम है प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन का प्लूरल इफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था फ्लूड अकमलेट हो जाता है प्लूरल स्पेस में तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लूरल इफ्यूजन शो कर रहा है जिसमें लंग्स पूरे ही वाइट दिख रहे हैं इतना ज़्यादा फ्लूड अकमलेटेड है एयर बस इतनी सी जगह में एयर प्रेजेंट है ठीक है इसके बाद क्या आता है इसके बाद अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं मतलब जो लंग्स है वो पूरे व्हाइट व्हाइट नहीं है बट कुछ डॉट 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 चीज़ें दिखाई दे रही है तो हमने जो डॉट डॉट चीज़ें या फिर सीड्स लाइक अपेयरेंस हमने किस में पढ़ा था मिलियरी ट्यूबर में इसमें मिलिट सीड्स जैसा अपेयरेंस हमें देखने को मिलता है तो ये कौन सा ट्यूबरकुलसिस का एक्सरे है मिलियरी ट्यूबरक्यूलॉसिस ओके तो ये तो हुआ इसके बारे में फिर इसके बाद आता है डायग्नोसिस में हमने चेस्ट एक्सरे देख लिया इसके बाद हम ट्यूबर टेस्ट करवा कर सकते हैं ट्यूबरक्यूलन स्किन टेस्ट जो होता है उसे हम मैंटोक्स टेस्ट भी कहते हैं इसके थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम की प्रेजेंस को फिर उसके बाद प्रिवेंशन जो है वो है बीसीजी वैक्सीनेशन एज वी ऑल नो दैट बचपन में ही वैक्सीनेशन हो जाता है ट्यूबर का तो इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है बट हाँ प्रिवेंशन ये है ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ा ट्यूबर के में सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी फिर उसके बाद हमने मोड्स देखे कि किसके थ्रू वो स्प्रेड होता है फिर उसके बाद हमने देखा कि बॉडी में कैसे वो स्प्रेड होगा UH! और उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी पैथोजेनेसिस में हमने प्राइमरी के बारे में भी पढ़ा और सेकेंडरी के बारे में भी पढ़ा फिर उसके बाद हमने दोनों के बीच में डिफ्रेंसिस देखे और फाइनली हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे डायग्नोसिस और प्रिवेंशन देखा सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबोक्यूलॉसिस आई होप आप लोगों को समझ आओगा एंड इफ़ यू वॉन्ट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम कैड्यूशियस अंडर स्कोर ख्याति लिंक इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू